पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ सर। मैं अनुज अग्रवाल, चेयरमैन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, न्यू दिल्ली। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या उद्देश्य है इसका? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य साइबर क्राइम किस प्रकार से हो रहा है, उसके कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं सामाजिक आर्थिक साइबर क्राइम, और उससे किस प्रकार से बचा जाए, और कानून में क्या प्रोविजन है, और पुलिस इत्यादि किस प्रकार से लोगों की मदद कर सकती है, इसके बारे में जनता को जागरूक करने का ये कार्यक्रम है। और प्रेस के माध्यम से हम ये जानकारी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। किस तरह से जनता को तक पहुँचाने का करेंगे, किस तरह से जनता जो अपने आप को संतुष्ट हो सके? देखिए, हम सबसे पहले उनको ये बताना चाहेंगे कि साइबर क्राइम किस प्रकार का हो रहा है। तो सबसे पहले आर्थिक साइबर क्राइम है, जिसमें कार्ड की क्लोनिंग, बैंक अकाउंट को हैक करना, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि को मिसयूज करते हुए साइबर क्रिमिनल लोगों के पैसे लगातार निकाल रहे हैं, जिसमें 5,000 से लेकर 5,00,000 रुपये तक का अमूमन नुकसान एक व्यक्ति का हो रहा है। पिछले साल भारतवर्ष में 114 अरब रुपये का नुकसान लोगों का बैंकिंग सिस्टम से निकाल दिया गया साइबर क्राइम के माध्यम से। अब हम ये चाहेंगे कि लोग ये जाने कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात है कि कभी भी बैंक के लोग आपको फ़ोन करके आपकी निजी जानकारी, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ओटीपी या आधार इत्यादि कभी नहीं पूछते हैं। अगर कोई भी ऐसा फ़ोन आया, चाहे वो आपको डराएं, धमकाएं या आपके कार्ड बंद होने के बारे में बताएं, बिल्कुल भी जानकारी उनको ना दें। और अगर आपको कोई ऐसा सस्पिशन हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप तुरंत बैंक की ऑथोराइज्ड वेबसाइट पर जाएं, जैसे centralbankofindia.com इत्यादि, और वहां जाकर कॉन्टैक्ट अस में जो भी उनके फ़ोन नंबर दिए हुए हैं उसके माध्यम से ही उनसे सिर्फ संपर्क करें। सर, सामाजिक क्राइम के बारे में भी आपने बताया, तो युवा उससे किस तरह से बच सकते हैं? जिस तरह से सोशल मीडिया का चलन ज़्यादा बढ़ गया और उसी के ज़रिए जो ये साइबर क्राइम जो सामाजिक रूप है वो उसका हो रहा है, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, उसमें 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो फेसबुक पे जो 5,000 फ्रेंड की लिमिट है, उसमें आपको अक्सर अपने ऐसे कॉन्टैक्ट के बारे में नहीं पता था और अपराधी लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाते हैं। सार्वजनिक रूप से निजी जानकारी, निजी अंतरंग फोटोज या अपने बाहर आने जाने की जानकारी उस पर पब्लिश ना करें। लोग आपके घर में घुसकर चोरी भी कर सकते हैं, घर खाली देख के, और नहीं तो आपके फोटोज को लेकर उसको मॉर्फिंग करके, चेंज करके नकली प्रोफाइल इत्यादि बना सकते हैं, या आपके नाम से प्रोफाइल बनाकर पैसे इत्यादि आपके मित्रों से मांग सकते हैं। तो उससे बचें। अगर आपको अपने मित्रों का फोटो इत्यादि शेयर करने का शौक है, तो केवल प्राइवेट ग्रुप्स में ही उसको शेयर करें, पब्लिक प्रोफाइल पर ना डालें, ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो महिलाएं और जो पुरुष अंतरंग संबंधों में हैं, वो अपने अंतरंग फोटो या वीडियो एक दूसरे को किसी भी हालत में शेयर ना करें, क्योंकि संबंध खराब होने पर दूसरा पक्ष उन फोटोज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर सकता है, जिससे लोगों को बहुत पीड़ा होती है और सुसाइड के मामले भी हो जाते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते समय कभी भी अपरिचित विदेशियों को अपनी निजी जानकारी ना दें, उनके साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो कोई साइबर अपराधी ही हो और आपकी जानकारी का लाभ उठाते हुए आपको फाइनेंशियल लॉस। और कई ऐसे मामले भी हुए हैं जहां लोगों ने अपने आप को उद्योगपति या बड़ा कंपनीज का एग्जीक्यूटिव बताते हुए शादी तक रचा ली है, जबकि पता चला है कि वो बहुत ही निम्न वर्ग के और अवांछित टाइप के लोग हैं। तो सोशल मीडिया पे जो जानकारी प्रसारित हो रही है या आपको कोई शेयर कर रहा है, उसको आंखें बंद करके स्वीकार ना करें। इसी प्रकार से मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी जब आप जाते हैं, तो वहाँ जो जानकारी प्रसारित की गई है, उसको निजी रूप से फिजिकली ज़रूर वेरीफाई करें, केवल उस जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार के संबंधों में ना पड़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आ चुके हैं कि फर्जी प्रोफाइल बनाई गई है, लोगों के प्रोफेशन, डॉक्टर इत्यादि पुलिस अधिकारी भी बताए गए हैं, जबकि वो व्यक्ति मामूली सामान्य रूप से बेरोजगार टाइप का व्यक्ति है। और जब महिलाएं इत्यादि उसमें फंस जाती हैं, तो उनका शोषण होता है, आर्थिक सामाजिक शोषण होता है। तो ये जो सामाजिक क्राइम है, इनसे बचने के लिए सावधानी की बहुत आवश्यकता है। और कभी अगर ऐसी समस्या आ जाए, तो बिल्कुल बिना हिचकिचाए समय गंवाएं, आप जाके साइबर क्राइम थाने में या नियरेस्ट थाने में उसकी रिपोर्ट करें। अगर थाने के लोग किसी भी स्थिति में आपको मना करते हैं, आप बिल्कुल इंसिस्ट करें, उच्च अधिकारियों से मिलें। और एक चीज़ और है, साइबर क्राइम के मामले में जुरिसडिक्शन का इशू थाने में नहीं है। आईटी एक्ट के मुताबिक साइबर क्राइम की जानकारी कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में किसी भी समय दे सकता है, क्योंकि जो साइबर क्राइम है वो इंटरनेट इत्यादि के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है,
वो किसी जगह विशेष से जुड़ा हुआ नहीं होता है। मान लीजिए आपका अकाउंट हो सकता है कि मध्य प्रदेश में हो और आज आप बरेली की यात्रा पर आए हुए हैं और आपको सूचना मिली कि आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, तो आप मध्य प्रदेश नहीं जाएंगे उसकी जानकारी लेने, आपको बरेली में ही सूचना देनी होगी और बरेली की पुलिस या क्षेत्र की पुलिस जो भी संबंधित व्यक्ति जहाँ पर आपको इसकी सूचना हुई है इसको नोट करने के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल कानूनी रूप से सक्षम है और उसे अपने इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए और जनता को भी जागरूक रहना चाहिए कि वो जहाँ भी है वहीं जाके तुरंत शिकायत करे। देर होने पर जब लोग आपके पैसे निकाल लेंगे एटीएम से बाहर झारखंड में या बिहार में या बंगाल में, फिर उन्हें वापस प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें समय रहते जैसे आपको सूचना मिले 5-10-15 मिनट के अंदर अपना अकाउंट ब्लॉक कराएं, संबंधित पुलिस यूनिट को जाके सूचना दें और इसकी सूचना अब आप cybercrime.gov.in भारत सरकार के ऑथोराइज पोर्टल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी दे सकते हैं, उससे भी आपकी सूचना दर्ज हो जाएगी। बट उसमें कुछ समय लगेगा, तो उसमें फ़ोन इत्यादि के खोने की सूचना दे सकते हैं या आपके साथ कोई अश्लील हरकत कर रहा है, कोई आपको साइबर बुलिंग कर रहा है, आपकी कोई नकली तस्वीरें बना रहा है, आपकी प्रोफाइल को कॉपी कर रहा है, लेकिन जहां तुरंत एक्शन की ज़रूरत है नियरेस्ट पुलिस थाने में बताएं और अगर वो एक्शन ना लें तो उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। इसमें जुरिसडिक्शन का कोई भी इशू है ही नहीं, कानूनन नहीं। सर क्या क्रिमिनल ने कोई नया तरीका इजाद किया है क्राइम, साइबर क्राइम करने का? सारे तरीके नए हैं क्योंकि ये जितने भी क्रिमिनल हैं यंग हैं और ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोग हैं। अमूमन हर दिन हम ये देख रहे हैं, अभी OLX पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जिसमें अक्सर फौजी अधिकारियों की फ़ोटो इत्यादि लगा के प्रोफाइल बना के ये बताया जाता है कि चूँकि फ़ौज में है और ट्रांसफ़र हो गया है तो नई से नई गाड़ी भी बेच रहे हैं और उस गाड़ी के फ़ोटो वगैरह दिखा के आधे दाम में या ऐसे कुछ काफ़ी लुक्रेटिव तरीके से दिया जाता है और फिर वो गाड़ी को बेचने के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि अगर आप कहें तो इसकी हवाई जहाज़ से आपके यहाँ डिलीवरी भी करा दी जाएगी और उसके नाम से 20-25-30 हज़ार रुपये और ले लिए जाते हैं। एक दूसरा जो फ्रॉड चल रहा है वो ये है कि आपकी प्रोफाइल ई कॉमर्स साइट इत्यादि से उठा के कंपनी की तरफ से सूचना देते हुए कि हम कंपनी से बोल रहे हैं और आपने काफ़ी ख़रीदारी की है, उसको देखते हुए कंपनी आपको एक सफारी गाड़ी या इस टाइप की कोई बहुत अच्छी गाड़ी का ऑफर दे रही है, फ्री दिया जाएगा, सिर्फ आपको इंश्योरेंस इत्यादि के लिए कुछ पैसे देने हैं और उसमें 20-25-50 हज़ार रुपये तक लेके और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये जो मामले हैं बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सामाजिक रूप से रिवेंज पॉन, जिसमें लोग अपनी अंतरंग फ़ोटो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहे हैं संबंध बिगड़ जाने पर, और ऐसे मामले गांवों से आ रहे हैं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये है, पहले ये माना जाता था कि इस तरह की चीज़ें जो हैं शहरों तक ही प्रचलित हैं, अब दूर दराज में गांवों तक, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रचलन हो चुका है, यूट्यूब इत्यादि का इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं, तो अब शहर गाँव में कोई फ़र्क नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली साइबर क्राइम के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिटी स्पेसिफिक है, ये गाँव में भी उतना ही चल रहा है। तो वहाँ पर इस टाइप के जो फ़ोटोज़ हैं, अंतरंग फ़ोटोज़ हैं, उनको शेयर करते हुए प्रताड़ना दी जा रही है और इस केस में फेसबुक व्हाट्सएप भी पुलिस अधिकारियों को इमरजेंसी के तौर पे तुरंत सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन लोगों को पुलिस के पास जल्दी जाना होगा, लोगों को पुलिस के पास बिना छुपाए पूरी जानकारी देनी होगी। लोग आधी अधूरी जानकारी पुलिस को देते हैं, उससे इन्वेस्टिगेशन में नुकसान होता है और पुलिस को भी ये देखना होगा कि इससे पहले कि जनता का नुकसान बढ़ता चला जाए वो त्वरित कार्रवाई करते हुए जनता को रिलीफ दे। अच्छा सर, कुछ ऐसा कोई ऐप्स के माध्यम से भी क्राइम का कुछ केसेस आए हैं क्या? ऐप्स के माध्यम से ही आजकल ज़्यादातर क्राइम हो रहे हैं क्योंकि लोग अपने फ़ोन में ऐप्स को लगातार डाउनलोड करते रहते हैं। उसमें दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ऐप्स नकली हो सकते हैं, जैसे आपने बैंक का ऐप डाउनलोड किया बिल्कुल मिलता जुलता हो बहुत, दूसरा ऐप है बैंक का है ही नहीं, UPI वगैरह के साथ में भी ऐसा हो सकता है, और दूसरा बहुत सारे ऐप्स में रैट यानी रिमोट एक्सेस टूल समाविष्ट किया हुआ है। तो जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो टूल आपके फ़ोन में आ जाता है और आपके फ़ोन की सारी जानकारी लाइव वीडियो और सारी जानकारी क्रिमिनल के पास पहुंचाता रहता है। तो अगर आपके फ़ोन में OTP आ रहा है तो वो OTP क्रिमिनल के पास पहुंच रहा है, कोई भी कोड आ रहा है, आप बैंकिंग का पासवर्ड डाल रहे हैं तो जा रहा है। तो पासवर्ड्स को सेव ना करें, उससे भी आपको बचत है।